लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की खबरें बढ़ती जा रही हैं। वहीं राजस्थान के 12 जिले से एक खबर सामने आई है, जहां देर रात भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के किसी भारी व्यक्ति पर लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगाया। चलिए इस मामले को थोड़ा तफसील से जानते हैं। दरअसल देर रात को प्रचार प्रसार के दौरान अंतर की सीस वाली फाटक के पास कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद देर रात कांग्रेस कार्यकर्ता मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। अंतः पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर 12 कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीना, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया, किशनगंज से पूर्व विधायक निर्मला सहारिया, मांगरोल नगर पालिका चेयरमैन समेत सैकड़ों कार्यकर्ता अंतर थाने के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान देर रात 12 एडिशनल SP भी अंतर थाने पर पहुंचे। उसके बाद देर रात करीब 3 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करवाया, जहां भाजपा के नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवार, मोहित कालरा, प्रशांत विजयवर्गीय समेत लगभग एक दर्जन भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। बता दें झालावाड़ लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सीट पर कांग्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी और 12 जिला प्रमुख उर्मिला जैन प्रत्याशी है, तो वहीं भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह मैदान में है। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज।